राम सबके हैं, राम सब में है। सवाल है कि आखिर क्यों श्री राम सबके प्रिय हैं? इस सवाल का उत्तर जानना है तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल आइए, जहां से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए 27 जिलों से 92 करोड़ रुपए की समर्पण राशि मंदिर ट्रस्ट को मिली है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें सबसे अधिक लगभग 14 लाख उन राम भक्त मजदूरों की है, जिन्होंने 10-10 रुपए का दान प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किया है। ये प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किए गए केवल 10 रुपए नहीं है, बल्कि यह राम सेतु निर्माण में किए गए गिलहरी प्रयास की तरह हैं। प्रभु श्री राम की नजरों में इन भक्तों का भी वही स्थान है जो करोड़पति भक्तों का है। निःसंदेह दिहाड़ी मजदूरों के इन प्रयासों को प्रभु श्री राम भी देख रहे होंगे। सच तो ये है कि भले ही वो गरीब हैं, परिवार चलाने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मंदिर के लिए समर्पण राशि संग्रहित करने वाले संघ के स्वयं सेवक बताते हैं कि भगवान राम के प्रति इन गरीबों की भक्ति का आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि वाराणसी में समर्पण अभियान के दौरान एक ठेले वाले को जैसे ही पता चला कि मंदिर निर्माण के लिए धनराशि संग्रहण हो रहा है, तो उन्होंने दिन भर की कमाई 110 रुपए मंदिर निर्माण के लिए समर्पित कर दी। ये कहानी केवल एक रेहड़ी पटरी वाले राम भक्त की नहीं है, बल्कि काशी और प्रयागराज के सैकड़ों भिखारियों ने भी भगवान राम के प्रति सच्ची आस्था का प्रमाण देते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए 4 लाख रुपए की राशि समर्पित की। क्या मजदूर, क्या भिखारी, क्या व्यापारी, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सभी जाति संप्रदाय और क्षेत्र से ऊपर उठकर संपूर्ण भारत के लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि के माध्यम से अपनी आस्था प्रकट की है। इन आस्थाओं को हम शब्दों में नहीं उकेर सकते हैं, बस इनकी भावनाओं को महसूस ही किया जा सकता है। सही अर्थों में भगवान श्री राम की भक्ति ने भारत की संस्कृति में व्याप्त सामाजिक समरसता भातृत्व भाव को पुनर्जागृत कर संपूर्ण समाज को एकता के सूत्र में बांध दिया है।